मकान मालिकों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार ने होम स्टे योजना को दी मंजूरी। बिहार सरकार ने होम स्टे योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पहले चरण में 1000 बेड विकसित किए जाएंगे। होम स्टे के लिए मकान मालिक या प्रमोटर को अपने कमरों और बेड का निबंधन पर्यटन विभाग से कराना होगा। निबंधन 2 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके बाद उसका हर साल नवीकरण कराना होगा। ग्रामीण पर्यटन एवं इको पर्यटन स्थल के समीप पर्यटकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों को ठहराने के लिए 1 से 6 कमरे और 2 से 12 बेड तक की अनुमति दी जाएगी। होम स्टे के लिए मकान मालिक या प्रमोटरों को अपने कमरों और बेड का निबंधन पर्यटन विभाग से कराना होगा। निबंधन 2 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके बाद उसका हर साल नवीकरण कराना होगा। निबंधन शुल्क के रूप में पहले 2 वर्ष के लिए 5000 की राशि निर्धारित की गई है, जो नॉन रिफंडेबल होगा। होम स्टे योजना का मुख्य उद्देश्य, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान कम खर्च में बेहतर कमरा या बेड उपलब्ध कराना है। यहाँ पर्यटकों को बिहार की संस्कृति, खान पान एवं परंपरा से रूबरू होने का भी अवसर मिलेगा। इससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मकान मालिक को मिलेगा वित्तीय लाभ। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में 1000 कमरों को होमस्टे में परिवर्तित किया जाना है। शहरी इलाके के पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर और ग्रामीण इको पर्यटन स्थल से 10 किलोमीटर की परिधि में मकान मालिक प्रमोटर को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। वित्तीय लाभ के तहत कमरे के उन्नयन के लिए बैंक से ऋण भी दिया जाएगा। ऋण की राशि की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति कमरे तय की गई है। इस राशि के ब्याज की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा की जाएगी। मकान मालिक को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मकान मालिकों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार ने होम स्टे योजना को दी मंजूरी। बिहार सरकार ने होम स्टे योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पहले चरण में 1000 बेड विकसित किए जाएंगे। होम स्टे के लिए मकान मालिक या प्रमोटर को अपने कमरों और बेड का निबंधन पर्यटन विभाग से कराना होगा। निबंधन 2 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके बाद उसका हर साल नवीकरण कराना होगा। ग्रामीण पर्यटन एवं इको पर्यटन स्थल के समीप पर्यटकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों को ठहराने के लिए 1 से 6 कमरे और 2 से 12 बेड तक की अनुमति दी जाएगी। होम स्टे के लिए मकान मालिक या प्रमोटरों को अपने कमरों और बेड का निबंधन पर्यटन विभाग से कराना होगा। निबंधन 2 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके बाद उसका हर साल नवीकरण कराना होगा।